मैं चाहता हूं कि आप सटीक वो एनालिसिस करें जो आप करते आए हैं. स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच. नहीं देखो, आज अच्छी मैच है. ये था आई थिंक जो वेन्यू है ये विराट कोहली का घर है कह सकते हैं, क्योंकि 88 का एवरेज है और उनके जो आप स्टैट्स देखिए, इन्होंने इतने सारे रन बनाए यहाँ पर. आई थिंक ये विकेट को तो विराट कोहली दिल्ली लेके आना चाहिए. क्योंकि जब एक बैट्समैन होता है हमेशा, जैसे दिलीप वेंगसरकर, यू नो कि लॉर्ड्स पे 3 शतक बनाए, यू नो आई थिंक इट्स अ होम फॉर यू नो. सो विराट कोहली के लिए और सिटी भी बहुत बेहतरीन है. और इस पिच पे जो इंडियन टीम का हमेशा पलड़ा भारी रहा है, क्योंकि एडवांटेज इंडिया को, विकेट में तेजी नहीं है इसमें, जो नॉर्मल विकेट खेलती है, और थोड़ा सा बॉल टर्न होता है यहाँ पे तो स्लो आती है गेंद. तो बिल्कुल आई थिंक वेस्ट इंडीज को भी यहाँ पे एडवांटेज है. वेस्ट इंडीज को भी पिचेस देखिए, अभी पिछले 10 साल में काफी स्लो हो गए, बॉल थोड़ी सी घूमती है थोड़ी सी. तो आई थिंक उनको बल्लेबाज को अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, और जैसे पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की पर विकेट देखा तो आई थिंक बैटिंग डोमिनेटेड था. तो मैं बॉलर को कुछ ब्लेम नहीं कर सकता हूँ. कुछ नई चीज लानी पड़ेगी वेस्ट इंडीज को इस मैच जीतने के लिए. यू नो दिलीप जी, वी विल टॉक अबाउट विराट ऑफ कोर्स इन लेंथ थोड़ी देर में, बट स्पीकिंग ऑफ वेस्ट इंडीज, शायद उनको अपना लास्ट अपीयरेंस इसी ग्राउंड पे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, बिकॉज द लास्ट टाइम दे प्लेड हियर दे बीट इंडिया, द ओनली टाइम दे डिड इन दिस पर्टिकुलर वेन्यू. वो कॉन्फिडेंस एंड वो यादें, नॉट द सेम टीम, बट दैट शुड डू सम गुड फॉर द वेस्ट इंडीज साइड. या इट्स नॉट अ सेम टीम डेफिनेटली, लेकिन ऑफ कोर्स आई थिंक वी होप दैट कि वो अच्छा प्रदर्शन करें, क्योंकि उनसे उम्मीद भी काफ़ी है. क्योंकि लास्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया. आई थिंक द बोलर्स डिडंट आई थिंक रियली बोल टू द प्लान और व्हाटएवर, बट ऑफ कोर्स आई थिंक विराट कोहली एंड रोहित शर्मा प्लेड एक्सट्रीमली वेल. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट यू नो. And of course, I think this is a favorite ground. I think Virat Kohli, that's what Kiran had said. And he said, मेरा मैच को 300 at Lords. लेकिन मैंने 4 फिरोज शाह कोटला पे किए, वो कोई बोलता नहीं है actually. which I feel very sad about it, because I think फिरोज शाह कोटला was my favorite ground. और वो भी अगेंस्ट पाकिस्तान, यू नो, और 3 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, यू नो, और वेस्ट इंडीज की आई थिंक 83 की टीम, 79 और 87 की अच्छी टीम्स थी. पाकिस्तान के खिलाफ जब किया, आसिफ इकबाल की टीम थी, वो भी बहुत अच्छी टीम थी. तो 4 मैंने फिरोज शाह कोटले पे किए, तो दैट इज माय फेवरेट ग्राउंड एक्चुअली. आज के बाद हम जरूर बोलेंगे दिल्ली में बैठे और ताजा करेंगे ऑफ कोर्स.